मंडी अवैध मस्जिद मामले में नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। नगर निगम ने इस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए मस्जिद के अवैध ढांचे के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। इस मामले में निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिजली बोर्ड और आईपीएच विभाग को बिजली पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। विद्युत विभाग मंडी मंडल के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बिजली के कनेक्शन काटे जाने की पुष्टि की है। वहीं जलशक्ति विभाग मंडी मंडल अधिशासी अभियंता राजकुमार सैनी ने कहा कि पानी का कनेक्शन कटने के लिए विभागीय लीगल कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त एच एस राणा ने बताया कि अवैध निर्माण घोषित होने के बाद एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। तो उसके साथ ही बिजली पानी भी कटना होता है, वो एक्ट में ही प्रोविजन बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं उन लोगों ने नहीं काटा होगा, तो हमने पिछले कल ये सुनिश्चित करवाया है कि बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन जो कट जाए। और बिजली का कनेक्शन काटने की कंप्लाइंस हमारे पास पिछले कल ही आ गई थी, मैं आज देख रहा हूँ कि पानी कटने का भी जो कंप्लाइंस है वो आज हमें प्राप्त हो जाएगी विभाग से। राजधानी शिमला के बाद मंडी में बीते 10 सितंबर को सबसे पहले इस मस्जिद को गिराने की मांग की गई थी, जिसके बाद 12 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद के अवैध ढांचे की बाहरी दीवार को खुद ही गिरा दिया था। इसके बाद 13 सितंबर को इस मस्जिद को पूरी तरह से गिराने की मांग को उठाते हुए हज़ारों की संख्या में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। इसी दिन निगम कोर्ट के आयुक्त ने इस मस्जिद के पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए 30 दिन के अंदर इसे गिराने के आदेश भी जारी कर दिए थे।